एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। व्लॉग शुरू करने से पहले आपके साथ में मैं एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगी। मेरे किचन का नया एडिशन टेंटेड है ये पॉपअप टोस्टर। तो ये है अगारो का पॉपअप टोस्टर। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे घर में ब्रेड का कंजप्शन तो रहता ही है, सुबह नाश्ते में, शाम को, तो मतलब टोस्ट करने का सिलसिला चलता ही रहता है। तो मैं कैसे करती थी, वही जो तवा पे करते हैं सब लोग, वैसे ही करती थी। पर जब से अभी ये आया है, काम बड़ा ही आसान और हैजल फ्री हो गया है। तो अगर आप भी कोई टोस्टर देख रहे हैं तो जरूर लीजिए, मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छा है। तो क्विकली मैं बताती हूँ कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो ये है अगारो का 4 ब्रेड स्लाइस टोस्टर। एक साथ आप इसमें 4 ब्रेड स्लाइस को टोस्ट कर सकते हैं। तो वेट करने की जरूरत नहीं कि पहले 2 डाला फिर 2 डालिए, एक साथ में 4 हो जाएगा। इसमें 1400 टू 1600 ऑपरेटिंग वोल्टेज है। 7 ब्राउनिंग कंट्रोल फीचर्स दिए हुए हैं और इसमें एक डिफ्रॉस्टिंग मोड भी है, जिससे कि आप जो फ्रिज से निकालते हो ब्रेड उसे आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हो। इसमें रीहीटिंग मोड भी दिया हुआ है, जिससे कि आप टोस्ट को हीट कर सकते हो बिना उसे जलाए। उसके बाद इसमें कैंसल मोड भी है, जिससे कि आप टोस्टिंग टाइम को कभी भी अबॉर्ट कर सकते हो। रिमूवेबल क्रम ट्रे है इजी क्लीनिंग के लिए और हाई लिफ्ट फीचर है, जिससे कि आपका जो उंगली है वो जलेगा नहीं जब आप टोस्ट को बाहर निकाल रहे हो। तो जो ये ट्रे है ये बड़ा ही यूजफुल है। जब आपने टोस्ट कर लिया उसके बाद बस पीछे के साइड में ये 2 ट्रे है, उसे निकालिए, उसमें सारे ब्रेड क्रम्स इकट्ठा हो जाते हैं। बस आप इजिली क्लीन करिए, वापस उसे प्लेस कर दीजिए। आप चाहे तो टोंग से ब्रेड को निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उंगलियों से भी निकालते हैं ना तो इजिली आप निकाल सकते हैं, आपकी उंगलियां बिल्कुल जलेगी नहीं, वो इसमें एक अच्छा फीचर है। और जैसा मैंने कहा, अफोर्डेबल प्राइसिंग और ग्रेट लुक्स तो इसकी है ही, तो बहुत ही क्लासी लगता है दिखने में ये। और साथ ही साथ में ना यहाँ पे स्पेशियस स्लॉट्स भी दिया हुआ है, जिससे कि हर टाइप के ब्रेड को आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हो। चाहे आपका मिल्क ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड आप डाल रहे हो, इवन अगर आप सैंडविच ब्रेड भी डाल रहे हो जो बड़े साइज का होता है ना, वो भी इसमें इजिली आप रख सकते हो, प्लेस कर सकते हो। इसलिए स्पेशियस बनाया गया है, तो हर टाइप का साइज का ब्रेड इसमें आप डाल सकते हो। बड़ा आसान है यूज करना। सबसे पहले आपको प्लग कनेक्ट करना है, ब्रेड इसमें प्लेस करना है, उसके बाद में ये जो लिवर दिया हुआ है इसे नीचे की तरफ प्रेस करिए। प्रेस करेंगे नीचे जाकर के ये लॉक हो जाएगा। फिर आप मोड सिलेक्ट करिए कि अगर आपको डिफ्रॉस्ट करना है तो डिफ्रॉस्ट पे क्लिक करिए, अगर आपको हीट करना है तो हीट पे क्लिक करिए। अगर आपको सिर्फ इसे नॉर्मली टोस्ट करना है तो उसके लिए ब्रेड को अंदर डालिए, लीवर को नीचे करिए। यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, वहां पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने पे आपको इसको टोस्ट करना है। मैं नंबर 1 ही सिलेक्ट करती हूँ, मेरे लिए वही काफी होता है। और फिर तुरंत ये आराम से इसे टोस्ट कर देगा, तो है ना बहुत ही आसान। कभी भी स्टॉप करना हो तो स्टॉप पे प्रेस कर दीजिए, तो उस तरीके से इजीली प्रेस करने से बटन ये हो जाएगा। जैसे ही आपका ब्रेड जो है वो हीट हो जाए या फिर डिफ्रॉस्ट हो जाए, अपने आप ये ऊपर की तरफ में आ जाएगा और आप इसे निकालिए और इमीडिएट इसको आप कंज्यूम कर लीजिए। तो है ना बड़ा ही आसान से यूज करना, क्लीन करना एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको लेना हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। आज सुबह मैं 5:30 बजे से उठी हुई हूँ, पता नहीं क्या हुआ आज बिग बास्केट वाले को 5:30 बजे उसने फोन किया है। मैंने सुबह का स्लॉट लिया था सोच के कि आएगा 7-7:30 तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5:30 बजे उसने फोन किया और उसके बाद तो मुझे नींद आई नहीं। तो पहले तो हमने उसको बोल दिया कि आप सामान जो है सिक्योरिटी ऑफिस पे रख दो, वहां के कलेक्ट कर लेंगे। तो पर वो भी उस सिक्योरिटी से बात किया, फिर उससे बात किया, फिर वो सामान रख के गया। मैंने सोचा चलो मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब कम से कम 7-7:15 बजे तक तो मैं बेड पे इधर उधर लेटती रही, उसके बाद मैं उठी गई। तो मैंने ना ये फ्लैक्सीड मंगाया है, अब ये डिलीवर हो गया था कल अमेजोन से। तो मेरे पास ना पहले भी फ्लैक्सीड था, वो रोस्टेड वाला था। तो रोस्टेड वाला तो मैं कभी कभी ना ऐसे ही खाती थी, जैसे माउथ फ्रेशनर के साथ में मिला के खा लिया, ऐसे भी खा लिया। इस बार जो मैंने मंगवाया है ना, ये रॉ मंगवाया है, अनरोस्टेड ब्राउन सीड्स मंगवाया है। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है ऐसा अनरोस्टेड के लिए। ना मैंने वो सब जो मैं खा था ना बॉटल्स मंगवाया है, ये सब इसी सब के लिए मंगवाया है। तो इसमें क्या करूंगी ना, मैं डाल के, कितना आवाज आता है ना, कभी भी गाड़ी यहाँ से गुजरे ना तो बहुत साउंड आता है। एनीवेज तो हाँ, तो इसमें डाल करके मैं इसको रख दूंगी ऐसी जगह पे जहां से मुझे ये दिखता रहे और याद आए। जैसे कि खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने के जाता है ना, वैसे ये खाने का याद आए। इसके लिए मैंने डब्बे मंगवाए हैं। ये सब्जी में आया है आलू, उसके साथ ये कट वाला पम्पकिन, तो ऐसे पीसेस में कट करके आता है तो बनाना बड़ा आसान हो जाता है। उसके साथ में यहाँ पे है, हाँ ये तो ग्रीन चिली है, एप्पल और आनियन। आनियन तो इसी में रखूंगी वरना पूरा घर में गिर जाएगा। 2 आनियन मंगा लिया है, 2 kg भिंडी, और ये मंगवाया है दाल। ये बीबी का खुद का ही रहता है, बीबी रॉयल ऑर्गेनिक, तो ये तूर दाल मंगवाया है 2 kg का पैकेट। उसके साथ में ये आशीर्वाद सिलेक्ट का शरबती आटा, ये मंगवाते हैं हम लोग ये, और इंडिया गेट बासमती राइस दूबर राइस में यही मंगवाते हैं, और आटा में हम लोग यही मंगवाते हैं हमेशा से। साथ में नारियल, ये तो रोज का है हमारा,
दो नारियल रोज का आता ही है। यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली है। एक्चुअली अभी कल से परसों दो दिन के लिए मुझे बाहर रहना पड़ेगा काम से फुल डे, तो उसके लिए दिन भर के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें मैंने रखी हुई है। तो इसमें तो अपना नॉर्मल जो रहता है, और ये हो गया थोड़ा बहुत स्नैक्स रहेगा इसमें। ये वाला जो है ना, ये ज़ूक का है, ये भी बहुत ही प्यारा बैग है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें ना सब कुछ आ जाता है, मतलब जो भी ठूसना हो ना, लिटरली सब कुछ आप इसमें डाल सकते हो। पर इसमें एक ही जिप आएगा, इधर साइड में कोई जिप नहीं है। अब खाली मुझे देखना है कि मैं पहनूं क्या फुल डे के लिए। कुछ ऐसा पहनना चाहती हूँ जो कि थोड़ा सा ना, मतलब आराम हो पहनने में, क्योंकि ना जीन्स पहनने की आदत चली गई है लॉकडाउन में। तो अगर कुछ देर के लिए भी जीन्स पहनती हूँ ना, तो बड़ा अनइजी लगता है। तो जीन्स तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूंगी। मुझे एपिगामिया बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इनका ये ग्रीक योगर्ट ब्लूबेरी। ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी हर फ्लेवर में आता है, पर मुझे ये ब्लूबेरी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ओके, तो मेरा खाना अभी ऑलमोस्ट पे है, तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट बालों में तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद एक घंटा रखूंगी और फिर शैम्पू कर लूंगी। और ना खाना मैं शैम्पू करने के बाद, नहाने के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि एक के बाद एक काम करते रहिए ना, गर्मी लगती रहती है। और अगर खाना ऐसे बैठिए खाने का तो मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता समर में, इसलिए मैं सुबह नहीं नहाती हूँ। अगर सुबह नहा लिया फिर घर के सारे काम किए फिर खाना खाने बैठे तो वो एकदम नहीं अच्छा लगता। इसलिए इत्मीनान से सारा घर का काम निपटा लीजिए, खाना बना लीजिए, उसके बाद शहर लीजिए तो और अच्छा लगता है। पर ऐसा रोज हो नहीं पाता है। मोस्टली जब मैं ब्लॉग करने वाली होती हूँ ना, उस दिन तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले घर का सारा काम करती हूँ, फिर शावर लेकर के पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, फिर खाती हूँ, वैसा। तो पर ये एक्चुअली मुझे उतना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है सारा काम हो जाए, खाना वाना बन जाए, फिर नहा के इत्मीनान से खाया जाए, समझ में बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब शैम्पू करना हो तो और ज्यादा, क्योंकि नहाने के बाद ना भूख बहुत अच्छी लगती है, वैसा होता है। इन्हीं वैसे जो मैं हेयर ऑयल लगा रही हूँ वो है वाओ स्किन साइंस का कूल मिंट हेयर ऑयल। इसमें है पेपरमिंट एंड मेंथॉल क्रिस्टल। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपको मतलब स्कैल्प को कूल करता है और आपको रिलैक्स करता है। बेसिकली इससे मसाज दीजिए चंपी चंपी, तो गर्मी में कितना अच्छा लगेगा आपको पता ही, ठंडक लगेगी आपको। ये स्ट्रेस स्कैल्प के लिए अच्छा है, डल और टायर्ड स्ट्रैंड्स के लिए अच्छा है, और ये नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी है, तो बिल्कुल भी गर्मी में आपको वो स्टिकी स्टिकी ऑयल वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो इनकेस अगर आप ओवरनाइट रख भी रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर्मी नहीं लगेगी उतनी ज्यादा। और ऑफकोर्स वाओ स्किन साइंस है, आपको पता ही है, नो पैराबीन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, तो आपके बालों पर कोई भी इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने हमेशा से लगाया है, हमेशा से शेयर किया आपके साथ। तो ये सब इनका नया नया रेंज आया है, बहुत सारे रेंज है इनके पास में, आपके हर एक प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन तो इनके पास है ही। तो ये नया है, बड़ा ही अच्छा है, कूल मिंट हेयर ऑयल, समर में इन्होंने लॉन्च किया, अच्छा किया है। तो अगर आपको खरीदना होगा तो मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इनका ऐप भी है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वास्तु के लिए, कि हम अपने घर का एंट्रेंस कैसे पता करें कि हमारा जो एंट्रेंस डोर है वो नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैंने सोचा चलिए आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। वो बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर उनके पास दो दरवाजे हैं, मान लीजिए एक मेन डोर है, एक उनके पास में ग्रिल है मान लीजिए, तो उसका डायरेक्शन भी पूछने लगते हैं कि तो ये एंट्रेंस है या वो एंट्रेंस है। आपको कंसिडर करना है घर का मुख्य द्वार, मतलब कि मेन डोर, जो लकड़ी का जो मेन डोर होता है ना वो। तो मान लीजिए कि ये है घर का नॉर्थ, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। अब आपके घर का दरवाज़ा मान लीजिए कि यहाँ पे प्लेस्ड है ये, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको क्या कंसिडर करें, नॉर्थ फेसिंग या फिर साउथ फेसिंग। तो ये जो आपके घर का दरवाज़ा है ये नॉर्थ फेसिंग हो गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिस तरफ से आप एंटर हो रहे हो, एंटर होते वक्त आपका फेस जिस वॉल को फेस कर रहा हो उसका ऑपोजिट आपका घर का डायरेक्शन है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो आपका फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है, तो आपका एंट्रेंस नॉर्थ हो गया।
तो एक इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, या सिंपलर टर्म में अगर मैं बोलूं तो जिस वॉल से एंटर कर रहे हैं वही डायरेक्शन है। मान लीजिए आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो ये तो आपको पता है घर का नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ हो गया। यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो ये ईस्ट से एंटर कर रहे हैं, ये वेस्ट से कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको पता करना हो, तो पर सबसे आसान तरीका यही होता है कि एंटर करते वक्त आपका फेस जिस डायरेक्शन को फेस कर रहा हो उसका ऑपोजिट आपका एंट्रेंस हो गया। कोई बंदे का अगर दरवाज़ा मान लीजिए कि यहाँ पे है, वो यहाँ से एंटर कर रहा है, वो फेस क्या कर रहा है, वेस्ट को फेस कर रहा है। वेस्ट का ऑपोजिट क्या है, ईस्ट। तो मतलब आपके घर का एंट्रेंस क्या हो गया, ईस्ट का एंट्रेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इजीली पता कर सकते हैं। हमेशा मैंने बोला है कि कैसे पता करना चाहिए आपको कि कौन सा डायरेक्शन है, तो घर का अप्रॉक्सीमेट सेंटर पर जाके खड़े हो जाना है। मान लीजिए आपका घर अभी कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है, तो आप एक अप्रॉक्सीमेट सेंटर अपने घर का ढूंढ लीजिए। वहाँ पे खड़े होकर के मोबाइल में या फिर मैग्नेटिक कॉम्पास में आपको पहले पता करना है कि नॉर्थ किस तरफ वो पॉइंट कर रहा है। मैग्नेटिक कॉम्पास हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे खड़े होकर के आप देखोगे, अगर वो नॉर्थ यहाँ पॉइंट कर रहा है तो ये नॉर्थ है, इधर पॉइंट करेगा तो आपके घर का ये नॉर्थ है। उस हिसाब से अकॉर्डिंगली सारा ही डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। तो ये कॉम्पास के बिना आप पता नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अपने बिल्डर का आप देख लीजिए ब्रोशर, उसमें लिखा रहता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े थे और आपको ये बोल रहा है कि घर का नॉर्थ इधर है। अभी के एग्जांपल में मैंने इधर बोला ना, मान लीजिए बता रहा है कि इधर है, तो अगर ये नॉर्थ है तो अकॉर्डिंगली सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। ये नॉर्थ है तो ये आपके घर का साउथ हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये नॉर्थ है तो ये घर का ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट है तो ये घर का वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ चेंज होते ही सारी दिशाएं जो है अपने आप आपको पता चल जाएंगी। इसलिए नॉर्थ पता करना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब आइडिया लग जाएगा। और फिर ऑफ कोर्स आपको मैंने सिखाया ही है कि अगर ये ईस्ट है तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है ना। ये अगर साउथ है और ये अगर वेस्ट है तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट है, ये साउथ साउथ वेस्ट है, ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया था। तो वैसे करके आप सब डायरेक्शंस भी पता कर सकते हैं। अभी बहुत क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शंस को लेकर के कि हमारा घर का मेन डोर कौन से डायरेक्शन में है वो बता दीजिए। तो वो देखिए, ये तो जानना बड़ा आसान है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। मान लीजिए ये नॉर्थ पता चल गया, आपकी जो एंट्रेंस है वो यहाँ से घर की है, ठीक है। तो आपने बोला अच्छा, तो मेरा घर जो है ये नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। पर आपका ये घर एक्चुअली है क्या, ये नॉर्थ फेसिंग है पर ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डोर हो गया आपके घर का, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गई कि आपके नॉर्थ में भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है। इसके बियॉन्ड भी देखना पड़ता है कि ये कौन से पाड़ा पे बैठ रहा है। ये जो सारे दरवाजे हैं ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं होते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं होते हैं। हर एक इस एरिया को 8 पाड़ा में डिवाइड किया जाता है। ये आपका वास्तु कंसल्टेंट ही आपको बताएगा, वैसे आप उतना नहीं समझ पाएंगे। इसको 8 पाड़ा में डिवाइड करते हैं। 8 में डिवाइड करने के बाद में हर एक पाड़ा जो होता है, ये पाड़ा है, हर एक पाड़ा का अपना एक फल होता है कि वहाँ से एंट्री है तो क्या बेनिफिट होगा। तो अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है तो ये कौन सा पाड़ा आ रहा है, उस पाड़ा के बेसिस पे उसका क्या आउटकम होने वाला है वो देख करके आपको बताया जाता है। तो थोड़ा सा ये इन डेप्थ स्टडी आपको करना पड़ेगा, वैसे चलेगा पता, क्योंकि टोटल दरवाजे 4 नहीं 32 होते हैं। 32 कैसे हो गए, हर एक में मैंने कहा 8 को इंटू करना है, तो इधर भी 8 डोर्स हैं, इधर भी 8 डोर्स हैं, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इन चारों को जोड़ेंगे तो 32 नंबर आएगा। तो वो जो सारे डोर्स हैं उसका पोजीशन देखना पड़ता है, फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली कैसा आपका घर आपके लिए शुभ होने वाला है या नहीं। पर अगर इतना मान लीजिए आप पता नहीं कर सकते, आपको एकदम बेसिक जानना है घर खरीदते वक्त, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है, आपको बस यही ध्यान देना है कि इस साइड जो भी है, मान लीजिए ये घर का नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कहीं भी आपका दरवाज़ा आ रहा है तो ये अच्छा है, और अगर यहाँ से लेकर के इस तरफ में कहीं पे आपका दरवाज़ा आ रहा है, मतलब वेस्ट से लेकर के इस पोर्शन में कहीं पे आ रहा है, तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए कि क्या सही जगह है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दरवाजे हैं जो सही होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको कंसल्ट करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी इनकेस आप कंसर्न है तो। पर अगर आपका घर का दरवाज़ा कहीं भी इस हेमिस्फेयर पे आ रहा है, इस तरफ में आ रहा है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये अच्छा ही फल देगा। तभी बुरा देगा जब बाकी प्लेसमेंट गलत है। अगर मान लीजिए आपकी एंट्रेंस ये हो गई, ये आपका बेडरूम है, ये आपका किचन हो गया, तो ये क्या है, ये सही डायरेक्शन में आपका बैठ रहा है, तो ये घर आपके लिए अच्छा हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे लिविंग डाइनिंग है,
पर इसमें अगर कुछ स्वैप है और डायरेक्शंस भी गलत हैं मतलब डोर का, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए इन डेप्थ आपको दिखाना चाहिए इफ़ यू आर कंसर्न। पर मैंने आपको जैसा बताया है कि जब तक प्रॉब्लम ना हो कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीट इट लाइक अ डिजीज़। जब तक बीमारी नहीं है तब तक आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तेल लगाइए, उसके बाद बाल और ज्यादा ना एकदम यहाँ से कम दिखने लगते हैं, चिपक जाते हैं ना, तो लगता है कि अरे यहाँ पे स्कैल्प दिख रहा है। पहले तो बाल इतने घने हुआ करते थे कि कुछ भी कर लीजिए स्कैल्प नहीं दिखता था मेरा। शादी के फर्स्ट ईयर तक भी वैसा ही अच्छा सा ही था, उसके बाद धीरे धीरे ना बाल झड़ने थोड़े से स्टार्ट हुए और अब तो बहुत ही कम है, ठीक है पर कम ही बोलेंगे इसको। मुझे एक्चुअली वाटर सॉफ्टनर लगवाना है, इसीलिए वाटर सॉफ्टनर से ना अच्छा रहता है क्योंकि बैंगलोर का पानी जो है वो हार्ड वाटर है, तो सॉफ्टनर लगा लेने से काफी अच्छा होता है। पर वो सोचा हुआ है पर वो हो ही नहीं पा रहा है, पर अब सोच रहे हैं कि लगवा लेंगे इससे पहले कि बाल फिर सारे ही चले जाए। सॉफ्टनर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिलहाल मैं जा रही हूँ करने के लिए शैम्पू और खाना खाऊंगी उसके बाद में, और ज्यादा व्लॉग कंटिन्यू और नहीं कर रही हूँ, बहुत सारा काम मुझे देखना है, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा। तो अभी के बाद में व्लॉग शायद हो सकता है कि आपको आने वाले वीक में मिले नहीं मिले मुझे कुछ भी पता नहीं है, हो सकता है, पर जो भी होगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको अपडेट कर दूंगी। अगर व्लॉग आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसके नेक्स्ट वीक तो पक्का आएगा। तो इसी के साथ चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।